हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट मी टॉक टू यू अबाउट द पॉजिटिव एनर्जी। हाउ कैन यू फील दैट अ पॉजिटिव एनर्जी और एन ऑरा इज अराउंड यू और सराउंड्स यू और यू आर सराउंडेड बाय द पॉजिटिव एनर्जी पीपल और एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी कैन बी गॉडली, कैन बी बाय द पीपल। ओके, तो कभी कभी देखिए दो तरीके से होता है। एक तो हम जो लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, आप किसी भी रिलीजन के होते हैं, आप अपने रिलीजन को पूजा पाठ करते हैं या जो भी रिलीजन के हैं आप, तो एक तो गॉड की पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक कुछ पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, भगवान की कुछ चीज़ें आपके आसपास घूमती हैं या उनकी एनर्जी आपके आसपास घूमती है, तो हमेशा आपको फील होता है कि एक कोई शक्ति है मेरे साथ चल रही है, जो मुझे, अगर मेरे दिमाग में कोई भी नेगेटिव विचार आता है या कभी मैं बहुत ज़ोर से गिर जाऊं या फिर कोई हादसा हो या फिर कुछ बुरा हो लेकिन मैं उससे निकलती आ रहा हूँ, या मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ लेकिन फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा, या फिर मैं कोई टेंशन में हूँ और अचानक से एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, या फिर मैं बीमार हूँ और मुझे ऐसा लगा थोड़ी देर बाद कि आई एम फीलिंग रिलीव्ड जस्ट रिमेम्बरिंग माई गॉड। इसका मतलब ये है कि आप जिस भगवान को भी पूछते हो, आपका पास आसपास उनकी शक्तियाँ हैं, मतलब उनका एक ऑरा है। बिकॉज इफ़ यू हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन विथ अवर गॉड, तो गॉड हमेशा अपनी रक्षा करते हैं, हमेशा आपकी रक्षा करते हैं, किसी ना किसी तरीके से रक्षा करते हैं। और जहाँ पे आप नोटिस करिएगा कि बड़े से बड़े हादसे भी टल जाते हैं, तो ये तो हो जाता है कि भगवान के द्वारा एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है आपके चारों तरफ। अच्छा, उसका एक और फ़ायदा ये होता है कि आपके आसपास भी जो लोग रहते हैं, फिर क्या होता है कि वो जो पॉजिटिविटी होती है, जो एक उनकी एक जो स्ट्रेंथ होती है, वो बढ़ती जाती है इंटरनली, और आपके आसपास भी जो लोग होते हैं उनको भी आपसे पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगती है, उनके भी काम बनने लगते हैं। काम बने ना बने, लेकिन जब वो आपके पास आते हैं या आपके घर में एंट्री करते हैं जहाँ आप रहते हो या जहाँ आप उन लोगों के साथ बैठ जाते हो, तो उन्हें ऐसा लगता है आपके साथ बैठ के हंसो, खिलखिलाओ, मस्ती करो, एक अच्छी वाइब्स आती हैं। तो ये ऑल अबाउट, जो लोग बहुत रिलीजियस होते हैं तो उनमें एक पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है, ये तो फॉर श्योर है। और हमेशा आपको महसूस होगा कोई ना कोई आपकी रक्षा कर रहा है या फिर कोई आपके साथ खड़ा है आपके ऑड टाइम में भी, ठीक है। नाउ अब सेकेंड पॉइंट आता है कि पॉजिटिव एनर्जी थ्रू द पीपल, राइट। कुछ लोग आपके घर आते हैं, कुछ लोग आपको ऑफिस में मिलते हैं, या कुछ लोग आपको आसपास मिलते हैं या नेबरहुड में होते हैं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोगों से मिलते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी कुछ लोगों में, जैसे मैंने बोला कि अगर आप अच्छे होते हो तो आप में पॉजिटिव एनर्जी होती है तो दूसरे को दिख के आती है। इसी तरीके से आप भी अगर सराउंडेड हो अच्छे लोगों के साथ, तो जैसे कुछ कोई आपके घर आया या किसी से आप मिलने गए, तो एकदम से हो सकता है वो पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, या वो आपसे बातें करेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि यार आज इससे बात करके कुछ माइंड हल्का हो गया, या फिर आप उससे मिलोगे या फिर वो कोई बात आपको बताएगा तो आपको लगेगा, या आपको शेयर करोगे तो आपको लगेगा यार इससे बात करके मेरे टेंशन सॉल्व हो गए या मेरे को कोई सोल्यूशन मिल गया। तो ये बात हो जाती है पॉजिटिव एनर्जी के लोगों के साथ रहने से, मतलब हर तरफ आपको एक पॉजिटिविटी फील होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉर श्योर बताऊंगी कि नेगेटिव एनर्जी क्या होती है और नेगेटिव एनर्जी के लोग क्या होते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। टिल देन, जो भी मेरे वीडियोस हैं, आप प्लीज़ इन्हें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहें। एंड प्लीज़ फॉरवर्ड एज मच एज़ यू कैन। एंड वन थिंग आई जस्ट वांट टू से दैट यू नो एवरीबडी हैज़ द ऑड्स इन लाइफ, तो वही होता है कि जहाँ तक हो सके आप मेडिटेट करें। और मैंने